हेलो गाइस एंड वेलकम टू अफिशनाडोज डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइस, आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये एक बहुत ही स्पेशल विस्की है, विच इज ग्लेन सर्ज। नाउ दिस विस्की इज स्पेशल बिकॉज दिस इज अ स्कॉच विस्की। इट हैज़ बीन मैच्योर्ड इन स्कॉटलैंड एंड डिस्टिल्ड इन स्कॉटलैंड। हाउएवर, इट हैज़ बीन बॉटल्ड इन फ्रांस एंड द ब्रांड दैट इम्पोर्ट्स इट इन इंडिया इज लेक फॉरेस्ट वाइन्स। अब आप लेक फॉरेस्ट वाइन्स को, जो लोग गुड़गांव में, दिल्ली में रहते हैं या फिर नोएडा में भी रहते हैं फॉर दैट मैटर, वो बहुत अच्छे से जानते हैं लेक फॉरेस्ट वाइन्स को, बिकॉज दे वर दी फर्स्ट L1s इन गुड़गांव। सो येस, दैट इज़ अबाउट लेक फॉरेस्ट वाइन्स। बहुत ही अच्छी रेंज है उनके पास वाइन्स की, स्पिरिट्स की, एंड दिस इज़ देयर ब्रांड दैट दे इम्पोर्ट एक्सक्लूसिवली इन इंडिया। This is a blended Scotch whisky, and as I said, this has been bottled in France. And you would be surprised to know that at this price, it is a 1000 ml bottle, या फिर कह सकते हैं कि 1 liter की bottle है ये. So it is a steal deal if I talk about whisky. And one thing that I would like to tell you about this whisky is something that you will have to stay tuned to know, because that is very important. I'll let you know after I let you know the aficionado's report card. So stay tuned till the end. And मैं ये whisky पहले पी चुका हूँ, of course. एक बहुत ही प्यारी whisky है, but अभी मैं आपके सामने इसको review करूँगा. So yes, let's go ahead and open it. This is Glen Surge for you guys. Let's open it. Before opening it, I would like to tell you that इसकी बॉटल ही आती है, ये कोई डब्बे में नहीं आती है. सो येस, अगर आपको डब्बा ना मिले तो डोंट गेट स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि ये डब्बे में नहीं आती है. चलिए, लेट्स ओपन इट. स्क्रू कैप है, लेट्स गिव इट अ पोर. That's Glen Surge for you. तो चलिए, let's get on to the nosing and tasting of the whiskey, and let me tell you what this whiskey has to offer. चलिए, अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो एक डार्क गोल्डन सा कलर है, बट इट हैज 150 एडेड कैरमल कलरिंग एडेड टू इट. लेट्स गो. वाओ, very nice, very smooth on the nose, I would say. I can get that oakiness and vanillin in it, fresh fruity aromas. बहुत ही अच्छी, और to be honest, एक burn मुझे feel नहीं हो रहा है alcohol का on the nose. कुछ हनीड नोट्स भी हैं इसमें. अ वेरी नाइस नोज इंडीड, आई वुड से. चलिए, लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट. लेट्स सी कि व्हाट दिस विस्की हैज टू ऑफर ऑन द पैलेट. एक बहुत ज़्यादा स्वीट एंड पे नहीं है ये विस्की, बट आई वुड नॉट से दैट इट इज़ ड्राई एज वेल. इट इज़ गॉट क्वाइट अ बिट ऑफ स्वीटनेस इन इट, एंड अप फ्रंट यू गेट फ्रूटीनेस, यू गेट एप्पल्स एंड पेयर्स ऑन द पैलेट, प्लस यू गेट दैट वनीला एंड ओकीनेस ऑन द पैलेट. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अच्छी स्मूथ विस्की है, लाइट बॉडीड विस्की, आई वुड से, नॉट अ हैवी बॉडीड विस्की और अ मीडियम बॉडीड विस्की, अ लाइट बॉडीड विस्की, बट येस, वेरी नाइस टेस्टिंग विस्की. अ बिट ऑफ मॉल्टीनेस, बट येस, अ वेरी स्लाइट बिट ऑफ मॉल्टीनेस. चलिए, लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट. लेट्स सी वॉट दिस विस्की हैज टू ऑफर ऑन द सेकेंड टेस्ट. चलिए,
more or less the same thing. Fruitiness, vanilla, a bit of oakiness, a bit of maltiness. But yes, definitely 40% alcohol pe, I cannot feel the burn of alcohol. I cannot feel the flavor of alcohol in this. Quite a smooth whiskey indeed, I would say. Very nice. I guess this whiskey is good to drink as it is. But let's get on to the comparative tasting and let's see ki comparative tasting mein kya asar hota hai after a dash of water. Let's go. Chaliye, let's get on to the comparative tasting. Wow. एक अलग ही नज़ारा दिख रहा है मुझे इसमें. आई कैन गेट अ बिट ऑफ फ्लोरल नोट्स इन इट, अ बिट ऑफ मॉल्टिनेस इन इट, एक वो कोकोनट के अरोमास जो है वो खुल के आ रहे हैं अब, विच वर नॉट देयर व्हेन वी ड्रैंक द विस्की एज इट इज. वाओ, वेरी नाइस. Chile, let's get on to the taste. मैं यही बोलूंगा कि बहुत सारे अरोमास जो हैं वो खुल के आए हैं इसमें. I would definitely say कि एक हल्का सा कोकोनट का अरोमा आ रहा है. जो फ्लेवर्स थोड़े से बंद थे वो और ज़्यादा खुल के आ रहे हैं after adding a dash of water to it. यस, वनीला खुल के आ रहा है. वो ओकिनेस जो हल्की सी कम दिख रही थी वो अब बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है. लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट. लेट्स सी कि डिड आई मिस समथिंग. मोर लेस येस द सेम थिंग, बट वो फ्लेवर्स खुल के आ रहे हैं. तो मेरे रिकमेंडेशन में आई वुड से ड्रिंक इट ऑन द रॉक्स. विस्की खुल जाएगी और ज़्यादा अरोमास एंड फ्लेवर्स आएंगे विस्की में से. सो एफिशिएंटाडोज़ रिपोर्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ इस विस्की के बारे में, तो आई वुड डेफिनेटली से ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 9 एंड ऑन द टेस्ट ऑल्सो आई वुड गिव इट अ 9. सो इस विस्की का एफिशिएंटाडोज़ रिपोर्ट कार्ड होता है 9. एंड लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग जो मैं बहुत देर से बताना चाह रहा था but I was stopping myself in the very initial phase of the video. The thing is the because I have already had this whiskey in the past, I would like to tell you guys ki is whiskey se hangover nahi hota bilkul bhi next day. So definitely it is a good drink to be kept in a party. Of course, on that note I would definitely add up one thing. Do not drink irresponsibly. Be responsible. लिमिट्स में पीजिए. तो इन माई ओपिनियन, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड एज वी से इन एफिशिएंटाडोज़ स्टे क्लासी एंड चीयर्स.